सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या मामला है पूरा पैसा लेके भागने का? वही कॉइन के नाम पर जो लिया, जो इसमें बिजनेस करते हैं, आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, बढ़िया आपको मुनाफा मिलेगा। 3 लाख रुपया लिया शिवम कुमार चौधरी, 1 महीना पैसा दिया, इसके बाद जो है तो कहता है कि सब कंपनी भाग गया, जबकि सब करोड़ों लेकर के अपना घर मकान गाड़ी ये सब खरीद बिक्री कर लिया। आप कितना पैसा दिए थे? 3 लाख रुपया दिए। क्या नाम हो गया आपका? सुधांशु कुमार चौधरी। क्या मामला है? पंकज चौधरी हमारे ग्राम का वासी है, हम लोग को आया बताया आज बिटकॉइन का हम मार्केटिंग करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, उसमें काफ़ी मुनाफा होता है, तो ग्रामीण बहुत आदमी से पैसा उठाया, 10 लाख मेरा लिया और 20 लाख मेरे भाई का लिया। कितने प्रतिशत ब्याज से? 10% बता के लिया था। आप लोग को दिया है या नहीं दिया? 1-2 महीना दिया है और इधर कल परसों अपना परिवार सहित भाग गया। चेक दिया था लेके भाई को हमको, और हमको नहीं दिया था चेक, हम उसके खाता पर ट्रांसफर किए थे। कितना लाख रुपया आपका लेके भागा है? 5,80,000 एक बार दिए, 3,60,000 पंकज चौधरी के खाता पर हम ट्रांसफर किए हैं। क्या नाम हो गया आपका? मुकेश कुमार चौधरी। क्या मामला है पूरा पैसा लेके भागने का? हमारे ग्रामीण पंकज कुमार चौधरी ने हमें आकर 10% का झांसा देकर हमसे 20 लाख रुपया लिया, इसके एवज में गारंटी के तौर पर चेक दिया, जो बोला अगर हम यहाँ से कहीं जाते हैं और यहाँ भागते हैं तो ये चेक लेकर मेरे जमीन जोत लेना, मेरा जो संपत्ति है वो ले लेना, या मुझ पर मुकदमा होगा, चेक से पैसा मिल जाएगा आपका, हम भागने वाले नहीं हैं। ये बिजनेस वो आज 3 बरस से चला रहा था, इस एवज में हमें चेक दिया था 20 लाख का, वो चेक हमारे पास है। कितना लाख रुपए आप दिए थे? 20 लाख रुपए। तो मतलब ब्याज व्याज कुछ दिया था या नहीं दिया? हाँ, 2 महीने हमको दिया था, उसके बाद नहीं दिया। तो ये गांव में और भी लोग उसके साथ शामिल है या फिर अकेले? कम से कम ये 200 करोड़ का ठगी है जी, ये 200 करोड़ यहाँ बगल अगल का 25-30 गांव से बेगूसराय खगड़िया मोकामा मतलब जहाँ तक इसका पहुँच था वहाँ इसका दलाल 10-20 में था, और नेटवर्क झांसा 10% दलाल को देता था, और उस झांसे में दलाल सब इससे पैसा देते थे। लगभग ये रामपुर जलालपुर गाँव से कितने लोग शामिल होंगे? रामपुर जलालपुर से 1,000 आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं। पैसा दिए हैं वो लोग? हाँ, और बहुत बहुत मोटा रकम है, वो अपना जिंदगी का सारा दाव पर लगा दिए थे, घर बेचकर, लोन लेकर, जेवर बेचकर, जमीन बेचकर। तो इससे पहले जैसे पैसा मांगते थे उससे तो क्या बोलता था? पैसा बहुत आदमी को 3 साल जैसे पहले शुरुआती में 50,000 रुपया दिया, कोई उसको 5,000 दिए, साल भर अगर दिए तो फिर वो 2 साल के बाद वो अपना 5,00,000-7,00,000 दे दिए, अपना जो जमीन था या कोई गरीब आदमी है वो, और महिला वाला कमेटी उठा लिया 1.5-2 लाख रुपया, मतलब जिस तरह से जिसको पैसा उपज हुआ वो टोटल अपना जीवन का पूंजी लगा दिया। अभी हमारे गांव में ऐसी नौबत है जो कितना आदमी मरने के लिए तैयार है और बीमार है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम दीपक कुमार चौधरी। ये पैसा लेके भागने का क्या पूरा मामला है? मेरे ग्रामीण रामपुर जलालपुर के पंकज चौधरी मुझको आए बताए कि जो मैं बिटकॉइन का शेयर बाजार में खरीदता हूँ, आपको 10% ब्याज में महीना के हिसाब से मुनाफा के रूप में हम देंगे, हमको पैसा दीजिए। इसी मार्च महीने में, अप्रैल महीने में 3 चेक वो हमको दिए, कुल 27 लाख हमसे लिए। कब से मतलब चल रहा था इसका? सुनते हैं 3 साल से चल रहा है, हम लोग तो बस 3 महीना से जुड़े हैं, इससे पहले बहुत जगह ही ऐसा काम पहले से चल रहा था। क्या नाम हो गया आपका? संतोष कुमार चौधरी।